आज जब अस्सी घाट में हैं और बहस का सिलसिला शुरू हो, ये सब भी भड़क जाते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इस बहस की शुरुआत भजन से हो, और जब शिव के भजन के साथ शुरुआत होती है तो थोड़ा सा मामला संगीतमय रहता है। डम 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 रू बजे भोला नचे मंगल साजी सजी घर घर में मंगल साजी सजी घर घर में आरती करने की का डम 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 डम। देखिए काशी की डमरू कैसे बज रही है। डम 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 रू बजे भोला नचे डम 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 डमरू बज रही है और भोले नच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पच रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो बहस पिछले दिनों यहां हो रही है, सबसे पहले नित्यानंद राय जी के पास जाऊंगा, और इनके पास क्यों जाऊंगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी दी है, जिला जज को लेकर एक आदेश दिया है। वो क्या है? ज्ञानवापी मसले को अगर समझना है, एबीपी न्यूज का मकसद ये होता है कि अगर जब आप हमारी बहस को देखें तो सिलसिलेवार तरीके से समझे कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, कल क्या होने वाला है। कल क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था नित्यानंद राय जी, और 23 को यहां क्या होने वाला है ज्ञानवापी के मस्जिद को लेकर साफ साफ कर दीजिए, ताकि मेरे दर्शक परेशान न हो और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सभी मसलों को समझ जाएं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष को कल सुनने के बाद ये माना कि इस जो सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ जो सुनवाई चल रही है, उससे बेहतर एक जज जो एक्सपीरियंस जज हो उसके यहाँ सुनवाई, चूंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसलिए केस को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने एकदम जो है अपने ऑर्डर से जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ जो मुकदमा चल रहा था उसको जिला जज वाराणसी के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी एप्लीकेशन पेंडिंग हैं, वो उन्होंने किसी चीज़ को जो स्टे दिया था सिविल जज सीनियर डिवीजन ने, कि उसको उन्होंने उस पर कोई इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 मतलब कि जुरिसडिक्शन, कि क्या ये मामला अदालत में सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, ये अदालत इसको सुनने की अधिकारिता रखती है कि नहीं रखती है। तो पहले प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता के आधार पर कोर्ट पहले ऑर्डर 7 रूल 11 पे सुनवाई करेगी। तो परसों ये क्या होता है ऑर्डर से, जैसे कि इस जो मुकदमा दाखिल किया गया है, पहले उसकी चैलेंज जो प्रतिपक्षी सब लोग नोटिस जारी हुआ। ये बताइए, जितनी प्रक्रिया अभी कोर्ट में हो चुकी थी, वो क्या नए सिरे से होगी या फिर जहां तक हो गई है उससे आगे बढ़ेगी? देखिए, अभी कोर्ट में बहुत कुछ हुआ ही नहीं है। सिविल प्रोसीजर में दावा एक दाखिल हुआ 41 पेज का, विपक्षी को नोटिस गया, विपक्षी हाजिर हुए, उसके बाद एक कमीशन की दरखास्त पड़ी कि मौके का रिपोर्ट मंगा लिया जाए, कमीशन नियुक्त हुए, कमीशन आए, मौके की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चली गई विपक्षी, और विपक्षी ने कहा कि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, एक्स पार्टी ऑर्डर हो रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी जो आदेश अब पास होगा, जिला जज जो पास करेंगे, वो दोनों पक्ष को सुन के करेंगे, क्योंकि नेचुरल जस्टिस भी कहती है, क्योंकि एक ऑर्डर जो हुआ था वो इंटरिम बहुत जो एक ऑर्डर हुआ था वो जो वजू खान जहाँ बाबा विश्वनाथ शिवलिंग प्रकट हुए थे। पूर्णिया सिटी जानिए, पूर्णिया सिटी हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।